एपिटाइट को बढ़ाता है। इसके बाद है आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, कार्बोहाइड्रेट फैट एवं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक है, थायरोक्सिन क्या करेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, जीआईटी की मेटाबॉलिटी मोटिलिटी को बढ़ाएगा जिससे डायरिया होता है, एपिटाइट को बढ़ाता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, के मेटाबॉलिज्म को या का मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक है, ये इसके अंदर इसके पॉइंट है। नेक्स्ट है, ये हुआ थायरोक्सिन का। इसके बाद जो है कैल्सिटोनिन, दूसरा कौन सा हो जाता है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। कैल्शियम के लेवल को कम करता है। इतना आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल से बाहर का फ्लूइड, ये पॉइंट आप लिख लेना, इसको पढ़ना, जो चीज समझ में ना आए मेरे को वापस पूछ लेना। ठीक है, मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूँ फंक्शन को। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन कौन बना रहा है, थायरॉइड ग्लैंड के जो फॉलिकुलर सेल्स है उसके अंदर जो सेल्स ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन बना रहे हैं। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा इसके फंक्शन क्या थे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको अपन बीएमआर कहते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रिशन से एनर्जी की बनने की जो प्रक्रिया होती है ना उसको अपन बीएमआर कहते हैं, न्यूट्रिशन से एनर्जी बनना, इसको अपन बीएमआर कहते हैं। मतलब अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर, अपन ने जो खाना खाया, ठीक है, वो खाना जाके मान लो एक्स्ट्रा खाना था जो फैट की फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, अब जब भूख लगी तो खाना जो अपन ने खाया है तो वो क्या हो, बड़ा बड़ा पचेगा, जब एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे तो उससे एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी बनने की जो प्रक्रिया होती है ना उसको अपन बीएमआर कहते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन से एनर्जी बनना, बेसल मेटाबॉलिक। तो अपन को देखो जब भी फिर खाना खाएंगे अपन एनर्जी बनेगी, अपने को गर्मी लगती है। ठीक है, और बीएमआर जब बढ़ेगी तो क्या होगा, जो खाना या जो फूड स्टोर है पहले से जो चर्बी स्टोर है उसको पचाएगा, तो इंसान क्या हो जाएगा, वेट में कम हो जाएगा, पतला हो जाता है उसके। ठीक है,
तो जिसकी बीएमआर ज़्यादा होती है वो जो इंसान जो है ना वो पतला होगा, उसकी बीएमआर ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा बनेगी उसके अंदर, तो एनर्जी क्या होगी हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है, तो बच्चों में जो है ना जैसे जो एडल्ट जो एडोलेसेंट वगैरह होता है स्कूल एज में वो पतले होते ज़्यादातर, क्योंकि उनकी बीएमआर जो है वो ज़्यादा होती है। और उसको कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, ये याद रखना। थायरॉक्सिन हार्मोन बीएसएल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, दूसरा हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जो हार्ट रेट है 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, तो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा कर देता है, जैसे हार्ट रेट को जो है नॉर्मल लेवल से बढ़ा देगा, जो नॉर्मल मैंने बताया कि पल्स रेट वगैरह 72, तो हार्ट रेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जीआईटी मतलब जो आते वगैरह हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया था आपको, जीआईटी जो आते हैं आंतों की मोटिलिटी को बढ़ा देगा, मतलब उसमें गतिविधि बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा जो खाना है वो जल्दी पचेगा और क्या होगा डायरिया हो जाता है उससे। ठीक है, उससे डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाती है। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है ये जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा रहा है, मतलब आंतों की जो गतिविधि है ना उसको बढ़ा रहा है, जिससे क्या होता है डायरिया हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा भूख लगेगी क्योंकि खाना जो पड़ा था वो पच गया, ठीक है, उसका डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा भूख लगेगी उस टाइम। एपिटाइट मतलब भूख लगना, तो उसको जो है ज़्यादा भूख लगती है। उसके अलावा आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसके फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट अपन ने जो खाया ही है, जो अपन ने खाया है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, उसका मेटाबॉलिज्म करवा देता है, मतलब उससे एनर्जी बनना, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं रिएक्शंस होती है उनको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाएगा, उसके अलावा उसके कारण अपने को भूख लगती है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और न्यूट्रिशन के मेटाबॉलिज्म को करवाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और हार्मोन जो दूसरा कैल्सिटोनिन, उसका सिर्फ एक ही काम है, वो क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम होता है ना उसको कम करना, कैल्शियम लेवल को कम करना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम है उस कैल्शियम लेवल को कम करना। कैसे करेगा ये? कैल्शियम को किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, कैसे? यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा ये कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। दो रास्ते कैल्शियम लेवल को कम करने के, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल से बाहर जो भी द्रव पाया जा रहा है, जो भी फ्लूइड है उसके अंदर कैल्शियम को कम कर देता है, उसके अंदर कैल्शियम को कम करेगा। ठीक है, कैसे करेगा? या तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा या बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, इन दो रास्तों से जो है कैल्शियम, इन दो तरीकों से जो है कैल्शियम जो को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कम किया जा सकता है, या तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दो या उसको किसी काम में लगा दो, मतलब उसको बोन्स के अंदर डिपॉजिट करा दे, उसको जमा कर देते हैं बोन्स के अंदर, जिससे क्या होगा बोन भी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे कैल्शियम लेवल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कम हो जाएगा। कौन करेगा? कैल्सिटोनिन। टोनिन कम वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब क्या होगा? कम करना। एक मैंने बताया था मेलाटोनिन हार्मोन, आपको मेलाटोनिन हार्मोन का मतलब क्या हो जाएगा? मेलानिन कम करना। मेलानिन नामक हार्मोन जो है पिगमेंट्स जो है जो स्किन को कलर दे रही थी, कौन बना रहा था? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल से जो है ना ये हार्मोन बनाती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो क्या करेगा अपने बॉडी के अंदर मेलानिन की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा देगा। इससे क्या होगा अपन जितना ज़्यादा मेलानिन होगा अपनी बॉडी के अंदर वो उतना ही सांवला होगा या काला होगा भी कह सकते हैं, और मेलानिन जितना कम होगा वो गोरा होगा या उसका जो है कलर अच्छा होगा, फेयर होगा। ठीक है, ये आप इतना थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ लेना और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी मैंने जो हार्मोन बताया आपको उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे वापस मैसेज करो, नोट्स लिखो, ठीक है, और उसको साथ साथ पढ़ते रहना। ठीक है, अगर कोई डाउट आए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको हाथों हाथ जवाब दे दूँगा कोई भी टाइम। ठीक है, तो आपको जितना भी समझ में आए,
ठीक, जैसा भी आया आप उसको पढ़ो और मेरे को वापस रिप्लाई करो आपको जो समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत नॉलेज की चीज़ है, ये आपकी बहुत नॉलेज आपके आगे बहुत काम आएगी। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपकी क्लियर है तो बाकी सब जो है सब्जेक्ट्स आपका आसान रहेगा पढ़ने में। प्लस तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, रट्टा मार के मत पढ़ना, ठीक है।